नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एवेन्यू सुपरमार्ट के रिजल्ट के बारे में। दोस्तों, जो जून क्वार्टर का रिजल्ट आया है वो काफ़ी खराब है, तो इस रिजल्ट को हम जानेंगे और इसका क्या इम्पैक्ट होगा एवेन्यू सुपरमार्ट के शेयर के प्राइस पर, क्या उसमें फॉल आएगा या वो ऊपर जाएगा, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेवल्स और टारगेट के बारे में डिस्कस करेंगे, तो हर एस्पेक्ट पे हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, ये है पीडीएफ एवेन्यू सुपरमार्ट के रिजल्ट का, जो जून का रिजल्ट है वो रिजल्ट आज मतलब पब्लिश हुआ है। तो आज हम इसके रिजल्ट को हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे और जो मार्च क्वार्टर था 19 का उसके रिजल्ट से कंपेयर करेंगे, मतलब दोनों क्वार्टर के रिजल्ट को हम कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3800 करोड़ का ऑपरेशन का रेवेन्यू है, तो ये आपने देख लिया पिछले क्वार्टर के कंपेयर में काफ़ी कम है। फिर ये देख सकते हैं जो 19 का मार्च क्वार्टर है उसके कंपेयर में भी ये काफ़ी कम है। अदर इनकम की बात करें 51 करोड़ है इस क्वार्टर का, पिछले क्वार्टर से कम मतलब ज़्यादा है, और जो 19 का मार्च क्वार्टर है उससे काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद हम एक्सपेंस की बात करें, एक्सपेंस भी काफ़ी कम हुआ है, मतलब रेवेन्यू कम हुआ तो एक्सपेंस भी कम हुआ है। तो उसके बाद हम नीचे देख लेते हैं जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है तो 66 करोड़ मात्र है इस बार का। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है पिछले क्वार्टर में था 346 करोड़ का, और जो है मार्च क्वार्टर 19 में था 516 करोड़ का, तो इससे काफ़ी ये कम हुआ है, पिछले क्वार्टर से भी काफ़ी कम हुआ है। उसके बाद जो टैक्स एक्सपेंस है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, टैक्स एक्सपेंस भी काफ़ी, क्योंकि प्रॉफिट काफ़ी कम है। उसके बाद नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स के बाद जो हमारा नेट प्रॉफिट मतलब जो कंपनी के हाथ में आती है वो देख लिए 49.56 करोड़ का, जो काफ़ी कम है, मतलब जो पिछला क्वार्टर है उससे 83% कम है, 83% मात्र, ये मतलब जो है पिछले क्वार्टर कंपेयर में ये मात्र 17% प्रॉफिट है। तो इसका जो है मात्र ये 17% प्रॉफिट है, और यहाँ से बात करें तो इसका मात्र ये जो है यहाँ से मात्र 14% है, मतलब जो ईयर ऑन ईयर बेसिस करें मार्च जो 19 का था उसके कंपेयर में मात्र ये 14%, और जो पिछला क्वार्टर है उसके कंपेयर में मात्र 17%। और जो अदर कम्प्रिहेंसिव लॉस है, जो नेट ऑफ टैक्स है, वो 1 करोड़ का यहाँ पे वो और डिक्रीज हो गया, तो मात्र बचा 48.53 करोड़ का टोटल जो कम्प्रिहेंसिव इनकम है पीरियड के लिए। तो टोटल कम्प्रिहेंसिव इनकम जो है फॉर द पीरियड दिस इज 48.53 करोड़, तो मात्र 48.53 करोड़ रहे जो नेट कम्प्रिहेंसिव इनकम है फॉर द पीरियड। अब नीचे चलते हैं तो यहाँ पर बेसिक जो अर्निंग पर शेयर है वो देखते हैं, मात्र 77 पैसा है, और जो अर्निंग पर शेयर है हमारा 4.49 रुपीज़ है, और यहाँ पर देख सकते हैं मार्च 19 में ये 5.37 रुपीज़ है, तो ये भी काफ़ी डिक्रीज हुआ है जो बेसिक अर्निंग पर शेयर है। तो दोस्तों, अभी तक आपने जो देखा वो स्टैंड लोन रिजल्ट था, अब हम कंसोलिडेटेड रिजल्ट इसका देखेंगे, मतलब जो सारे ऑपरेशंस है सभी मिला करके जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। चलिए डायरेक्ट हम चलते हैं इसके नेट प्रॉफिट पर। इनकम देखिएगा वहाँ 3800 था, यहाँ पर 3900 है। अब हम डायरेक्ट इसके प्रॉफिट को देख लेते हैं क्योंकि कंडीशन सब सेम है, और यहाँ पर आप देख लीजिए प्रॉफिट फॉर द पीरियड 40 करोड़, और वो कंप्रेहेंसिव इनकम देखिएगा तो कंप्रेहेंसिव इनकम 38.97 करोड़। आप समझ जाइए कि जो ईयर ऑन ईयर बेसिस है, मतलब मार्च जो 19 का क्वार्टर था उससे कितना डिक्रीज हुआ और इससे कितना डिक्रीज हुआ, तो इससे जो डिक्रीज हुआ मात्र इसका 12% है, मात्र 12%। यहाँ से आप देख लीजिए मात्र 12% है ये, तो 12% मात्र 88% प्रॉफिट में गिरावट आई है जून क्वार्टर में, और सेम टू सेम अभी चल रहा है क्योंकि अभी कोरोना वायरस का इफेक्ट हमारे देश में बढ़ ही रहा है। तो ये सारे रिजल्ट थे, जो स्टैंड लोन रिजल्ट और कंसोलिडेटेड रिजल्ट। अब हम इसके बात करेंगे रिजल्ट के इफेक्ट के शेयर के प्राइस पर, शेयर के प्राइस पर रिजल्ट का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं जीरोधा के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर। जीरोधा एक बहुत ही अच्छा डिस्काउंट ब्रोकर है, यहाँ पर आपको डिलीवरी में कोई चार्ज नहीं लगता है, साथ ही साथ इंट्राडे में आपको मैक्सिमम 20 रुपया पर ट्रेड लगता है। तो इसलिए अभी लिंक से जाइए, जो नीचे डिस्क्रिप्शन देगा लिंक है, अकाउंट ओपन कीजिए अगर ओपन नहीं किए हैं तो। और यहाँ पर जो हमारा इसका प्राइस है 200 डे का जो मूविंग एवरेज प्राइस है वो डीमार्ट का वो काफ़ी कम है, 2060 रुपीज़ है इसका जो है मूविंग एवरेज 200 डे का, और 100 डे का जो मूविंग एवरेज है वो है
2241 रुपीज़, और जो इसका 50 डे का मूविंग एवरेज है वो है 2314 रुपीज़। तो अभी ये जो है अपडेट 50 डे के और 20 डे के मूविंग एवरेज के आसपास है। अब यहाँ से इसमें फॉल आना निश्चित है, क्योंकि रिजल्ट काफ़ी काफ़ी बुरा आया है। तो रिजल्ट जो है काफ़ी ख़राब आया है, तो यहाँ से इसमें आपको करेक्शन देखने मिल सकता है। तो इसका जो पहला सपोर्ट लेवल होगा वो होगा आपको 2200 रुपये का, पहला सपोर्ट लेवल 2200 का। अगर इस सपोर्ट लेवल को तोड़ता है, अगर ये 2200 के लेवल को तोड़ता है, तो फिर इस पे 2000 का जो लेवल होगा वो सबसे मेजर सपोर्ट होगा। ऐसे सबसे पहला जो सपोर्ट लेवल है वो 2200 का है, फिर इसमें जो दूसरा सपोर्ट लेवल है वो 2000 का लेवल होगा, और इसमें जो है 5% का सर्किट अगर लगता है तो फिर इसको फॉल होने में टाइम लगेगा, मतलब 2000 तक के लेवल को आने में। तो क्योंकि इसमें सर्किट भी लगता है, 5% का सर्किट रख दिया गया, अपर सर्किट और लोअर सर्किट। RSI की बात करें तो RSI 48 है, जो कि नॉर्मल RSI है। तो यहाँ पर RSI ना तो स्ट्रेंथ दिखा रहा है ना तो कुछ, क्योंकि RSI जब ऊपर जाएगा तो स्ट्रेंथ दिखाएगा, नीचे आएगा तो वीकनेस दिखाता है। तो अभी RSI नॉर्मल है, ना तो ये ऊपर जा रहा है ना तो नीचे, मतलब थोड़ा सा जो साइडवेज है ऊपर नीचे उसी रेंज में है। अब हम बात करते हैं इसके लॉन्ग टर्म चार्ट का। तो चलिए हम लॉन्ग टर्म चार्ट पर आपको ले जाते हैं और लॉन्ग टर्म चार्ट पर बात करते हैं क्या लेवल्स और टारगेट हो सकते हैं। तो एवेन्यू सुपरमार्ट के लॉन्ग टर्म चार्ट को यहाँ पर हम देखेंगे। तो वन ईयर का चार्ट देखें, तो वन ईयर चार्ट पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वन ईयर का जो चार्ट है इस पे एवेन्यू सुपरमार्ट 71% का रिटर्न है एक साल में, 71% का रिटर्न। फाइव ईयर्स में बात करें तो फाइव ईयर्स में भी रिटर्न इसका काफ़ी अच्छा है। फाइव ईयर में रिटर्न देख लेते हैं, तो फाइव ईयर्स के रिटर्न में देखेंगे तो 271% का रिटर्न, तो काफ़ी बेहतरीन है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग, मतलब ये स्टॉक्स है, डेप्ट भी काफ़ी कम है और इसके पास एसर्ट काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए भी स्टॉक्स काफ़ी बेहतरीन है। उसके बाद हम बात करें इसके लॉन्ग टर्म, इसका जो लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्टिव है, तो लॉन्ग टर्म में डेफिनेट है कि जैसे सिचुएशन मेरा नॉर्मल होता है निश्चित है ये स्टॉक्स फिर से परफॉर्म करेगा, लेकिन अभी जो है ये बहुत ही बैड कंडीशन में स्टॉक्स जा सकता है, क्योंकि जो आपने जून क्वार्टर का रिजल्ट देखा काफ़ी मतलब बुरा है, तो अगले क्वार्टर का रिजल्ट कुछ खास अच्छा होने वाला नहीं है। अभी जो सारे आदमी हैं अपने सेविंग्स पर ध्यान दे रहे हैं, कोई भी अभी खर्च करने के लिए नहीं सोच रहे हैं, तो ऐसे में आपको ध्यान देना है, ऐसे में आपको ध्यान देना है कि अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट होना चाहते हैं तो जैसे करेक्शन पे ये मिलेगा तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, अभी आप इस स्टॉक से हो सकता है तो बाहर आ जाए। तो ये कंप्लीट इसका डिटेल अभी इफेक्ट था रिजल्ट का, इसमें करेक्शन संभव है। अब बाजार कैसा रिस्पांस करता है जो मंडे को, उसको देखना है आपको, तो मंडे का वेट कीजिए, मार्केट का क्या रिस्पांस होता है, आप भी रिस्पांस के डायरेक्शन में जाइए कि जैसा मार्केट इस पर रिस्पांस देता उसी डायरेक्शन में आपको भी जाना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।